ताजमहल के साए में इटालियन जोड़े ने शादी की 40वीं सालगिरह पर हिंदू रीति रिवाजों से दोबारा शादी की। इस दौरान उन्होंने अपने प्यार को 7 जन्मों तक पाने के लिए वैदिक विवाह करने की बात कही। आगरा के तमाम लोग बाराती और घराती बनकर इस अनोखी शादी के गवाह बने। कपल की शादी करवाने वाले पंडित प्रवीण दत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय भले ही अपनी सनातन संस्कृति और संस्कार भूल रहे हैं, पर विदेश में हमारे संस्कारों को आत्मसात किया जा रहा है। दरअसल भारतीय संस्कृति और प्रेम का प्रतीक ताजमहल पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। सात समंदर पार से आने वाले सैलानी भारतीय परंपराओं और मान्यताओं को जानकर 7 जन्मों के रिश्ते बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इटली से आगरा ताजमहल देखने आए कपल माउरो और स्टैनफानी अपनी शादी की 40वीं वर्षगांठ को ताजमहल के साए में भारतीय हिंदू परंपराओं के साथ मनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ट्रेवल्स और इवेंट ऑपरेटर एमटीए ग्रुप के मनीष शर्मा से संपर्क किया था। मनीष शर्मा ने ताजमहल के निकट एक रिजॉर्ट में शादी की व्यवस्था की। सबसे पहले भारतीय दुल्हा दुल्हन के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में कपल ने ताजमहल का दीदार किया और अपने प्यार को ऐसे ही पूरे जीवन बनाए रखने का एक दूसरे से वादा किया। इसके बाद दोनों कपल्स आगरा आने के दौरान अपने नए बने दोस्तों और स्थानीय लोगों के साथ शहनाई की धुन और ढोल की थाप पर थिरकते हुए रिजॉर्ट आए। यहां स्थानीय ट्रेवल कंपनी बागीड़ी के ब्रह्मा दत्त शर्मा द्वारा शादी का पूरा इंतजाम कराया गया। पंडित प्रवीण दत्त शर्मा ने शादी की सभी रस्में पूरी करवाई। विदेशी कपल ने साथ फेरे लिए और मावरू ने पत्नी के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाला। शादी के बाद उन्होंने सबके साथ जमकर नृत्य किया। विदेशी जोड़े ने बताया कि वो लोग 5 सालों से इस तरह शादी का प्लान बना रहे थे और अब ये सपना पूरा हुआ है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।